हेलो दोस्तों, मैं अरविंद मकवाना आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल जीके विथ एएम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोस्ट आईएमपी जीके 1001 लाइनर पार्ट 5। इससे पहले पार्ट 4 अपलोड किए हुए हैं, अगर आपको देखना बाकी है तो देख लीजिएगा। दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो बहुत ही मोस्ट आईएमपी है, तो ध्यान से देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 201 घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो वो आयोडीन की कमी से होता है। 202 कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो वो है अग्नाशय। 203 डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? डूरंड कप का संबंध जो है वो फुटबॉल से है। 204 भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। 205 संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। 206 चीन की मुद्रा कौन सी है? चीन की मुद्रा युआन है। 207 रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो वो हेनरी डुनांट है, रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनांट। 209 हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाले रोग कौन सा है? तो वो है एनीमिया, जो हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। उसके बाद 209 भारत कोकिला कौन कहलाती है? तो सरोजिनी नायडू भारत कोकिला कहलाती है। 210 दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो शुरू की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो गुलाम वंश के स्थापक है, उन्होंने दिल्ली में कुतुब मीनार बनाना शुरू किया था, और उसके बाद उसके वारस जो आए इल्तुतमिश, उसने कुतुब मीनार का काम पूर्ण किया था। 211 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो वो थे मदन मोहन मालवीय जी। उसके बाद 212 अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र जो ग्रंथ लिखा है वो चाणक्य ने, या ऑप्शन में अगर चाणक्य नहीं हो तो कौटिल्य होगा, चाणक्य ने या कौटिल्य ने अर्थशास्त्र जो लिखा हुआ है। चाणक्य के तीन नाम है, उसमें से दो आपको यहाँ पे दिए गए हैं, चाणक्य और कौटिल्य। 213 विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद स्मारक है वो कन्याकुमारी में है। कहाँ पर है? कन्याकुमारी में। 214 दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है काठमांडू नेपाल में। 215 दक्षेस के कितने देश सदस्य है? तो टोटल 8 देश दक्षेस के सदस्य है। कौन कौन से है? तो भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये 8 देश दक्षेस के सदस्य है। 216 भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत की कुल तट रेखा है 7516 किलोमीटर। नेक्स्ट 217 विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो अभ्रक जो है सबसे ज़्यादा भारत देश में होता है। 218 ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया? तो ग्रैंड ट्रंक रोड शेर शाह सूरी ने बनवाया था। 219 विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है। बेरी बेरी भी बी से स्टार्ट होता है और विटामिन बी बी है, इस तरह आप याद रख सकते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो सी से स्कर्वी होती है, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। 221 दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी दूध में नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है। 223 किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता?
खून नहीं जमता, खून का थक्का नहीं जमता, वो विटामिन है विटामिन के। अगर इसकी कमी हो जाए तो खून का थक्का नहीं जमता है। 224 विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन आता है, विटामिन ई की कमी से बांझपन आता है। 225 विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट 226 वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है? तो वसा में घुलनशील विटामिन है ए और ई। 227 साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण जो हम घर में यूज़ करते हैं नमक, उसका रासायनिक नाम है NaCl। उसके बाद हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो उसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। उसके बाद धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो वो है सोडियम कार्बोनेट। जो धावन सोडा है और खाने वाला सोडा होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद 230 पित्तल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो वो तांबा और जस्ता का मिश्रण है पित्तल। उसके बाद 231 कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो कैल्सीफेरॉल वो है विटामिन डी का रासायनिक नाम। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, वैसे ही विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है, विटामिन बी को थायमिन कहा जाता है। उसके बाद 132 नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो नेत्रदान करते हैं तो किस भाग का दान होता है? कॉर्निया का होता है, कॉर्निया। 233 किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। किस में होता है? विटामिन B12। 234 कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोक्रोनरिया को कहा जाता है। उसके बाद 235 लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है, मतलब बोन मेरो में होता है, अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो। RBC जो है रेड ब्लड सेल्स कहाँ होते हैं? तो बोन मेरो में यानी अस्थि मज्जा में। 236 राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। 237 ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वो है स्फिग्मोमैनोमीटर, जिससे ब्लड प्रेशर नापा जाता है। 238 कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी है उसे रोम कहा जाता है, और अगर यदि रोम का फुल फॉर्म पूछा जाए तो रीड ओनली मेमोरी होता है, रीड ओनली मेमोरी रोम। उसके बाद 239 किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो वो था कांग्रेस का अधिवेशन जो सूरत में हुआ 1907 में, 1907 में सूरत के अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी ऐसे दो दल हो गए थे कांग्रेस के। उसके बाद 240 तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया था? तो वो बनाया था राजा राज प्रथम चोल ने, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर राजा राज प्रथम चोल ने। 241 मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अकबर का जन्म अमरकोट के दुर्ग में हुआ था, मुगल सम्राट अकबर का जन्म अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। 242 वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? होगा नहीं आएगा यहाँ पे, हुआ था आएगा, तो वो हुआ था ब्राज़ील में। कहाँ पर हुआ था 2014 में फुटबॉल विश्व कप? ब्राज़ील में। उसके बाद
43 वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो वो रूस में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रूस में 2018 में रूस में फुटबॉल विश्व कप हुआ था। 244 वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ हुए? तो वो ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुए थे। ग्लासगो स्कॉटलैंड कॉमनवेल्थ खेल 2014। वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ? तो वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ 2015 में। कहाँ पर था? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। 246 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। राज्यसभा और लोकसभा दोनों की अगर संयुक्त बैठक हो तो उसके अध्यक्ष होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर, यानी जीवी मावलंकर। 248 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू काश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था? क्योंकि अभी 370 हटा दी गई है, तो अनुच्छेद 370 के मुताबिक था। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो धन विधेयक है कि है या नहीं, उसका निर्णय है वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष। उसके बाद 250 विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। एशिया जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन। आगे पार्ट 6 आएगा, वो ज़रूर देखिएगा। और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए। और यदि चैनल सब्सक्राइब करना बाकी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में दिए गए हुए बेल को प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप तुरंत ही वीडियो देख पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।